मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त फार्मेसी शीतांशु टोरिया आपके अपने इस YouTube चैनल एजू फार्मेसी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो होने वाला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड जिंक कैप्सूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके कंटेंट की हम आपको डिटेल प्रोवाइड जो है कर देंगे इमेज के माध्यम से। बाकी यहाँ बी कॉम्प्लेक्स दवा जिसमें काफी सारे विटामिन बी को ऐड किया गया है, साथ ही इसमें विटामिन सी है और जिंक को भी ऐड किया गया है। इसके अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पूरी 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है और इसका प्रिंट रेट है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए। मात्र 9 रुपए में ये आपको 10 गोली भारतीय जन औषधि केंद्र पर मिल जाती है, जहां पर आपको दवाइयां जो है बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध होती हैं, क्योंकि ये एक इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई योजना है। बाकी अगर इसके हम फायदे जाने तो यहाँ जो दवा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम करती है, जिसका सबसे प्रमुख इस्तेमाल हमारे शरीर में होने वाले बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे नियमित उपयोग करने से हमारे शरीर में जो एनर्जी लेवल है वहाँ बूस्ट होता है। दूसरा, इस मेडिसिन का जो इस्तेमाल है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे हमारा शरीर रोगों से आसानी से लड़ सके। तीसरा, इस मेडिसिन का जो उपयोग है, मुंह में अगर किसी व्यक्ति को बार बार छाले हो रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में भी डॉक्टर द्वारा इसको जो है रिकमेंड किया जाता है, ताकि जो छाले की समस्या है उसे जल्द आराम मिल सके। चौथा, यहाँ जो मेडिसिन है हमारे हेयर, स्किन और नाखूनों के लिए भी काफी बेहतर जो है रिजल्ट देती है, क्योंकि यहाँ हमारे हेयर हो या स्किन हो या नाखून हो उन्हें हेल्दी बनाने का वर्क करती है। पांचवा, इस दवा का जो इस्तेमाल है घाव को भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो दवा है टिश्यू रिपेयरिंग का वर्क करती है। एक और इसका प्रमुख इस्तेमाल है जो कि है आयरन एब्जॉर्प्शन में। यहाँ जो मेडिसिन है हेल्प करती है आयरन को हमारे बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने में। बाकी डॉक्टर जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसे अन्य कंडीशन में, अन्य प्रॉब्लम में भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ डोसेज भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसे अडल्ट में, बड़ों में एक कैप्सूल प्रतिदिन लिया जाता है। इस मेडिसिन को आप नॉर्मली जो है कुछ खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। कब तक लेना है यहाँ पूरी तरह से कंडीशन और डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी अगर इसके हम साइड इफेक्ट जाने तो इसके कुछ कंडीशन में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नौसिया, उल्टी या इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है या स्टमक अपसेट की परेशानी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इनकी एक और मेडिसिन आती है जो कि है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत कंटेंट का अंतर है, उसका भी हम जल्दी रिव्यू लाने वाले हैं। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब करके हमसे कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। जल्दी मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।